ओके नाउ ट्राई टू अंडरस्टैंड कि फंक्शंस का मीनिंग क्या होता है. दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट. और रिलेशन अभी जस्ट थोड़ी देर पहले हमारा खत्म हुआ है. रिलेशन से आगे जो है फंक्शन, और फंक्शन और मैपिंग फ्रॉम सेट ए टू सेट बी, फ्रॉम ए टू बी इज अ रिलेशन विच एसोसिएट्स फॉर ईच एलिमेंट एक्स इन ए यूनिक मतलब एग्जैक्टली वन एलिमेंट वाई इन बी. इसका मतलब क्या है, आई गिव यू वन एग्जाम्पल, लाइक थ्रू द एग्जाम्पल वी कैन अंडरस्टैंड वेरी इजिली. कि जैसे ए और बी है, दो सेट है, मान लो ए और बी के बीच में एक रिलेशन हमको इस्टेब्लिश करना है, ठीक है. और मैपिंग मतलब ये हो गया, देखो आपने ये एक ए हो गया और एक बी हो गया, बिल्कुल ध्यान से समझना है, ठीक है. ए और बी के बीच में एक मैं रिलेशन या एक रिलेशन इस्टेब्लिश करने का कोशिश कर रहा हूँ. मान लो इसका नाम आर1 दे दिया, ठीक है. सेट ए में मैंने कुछ एलिमेंट लिया ए बी सी डी, बिल्कुल ध्यान से समझना है. एंड सेट बी में मान लिया हमने 1, 2, 3, 4, ठीक है. तो अब जो डेफिनेशन है यहां पे क्या है, फंक्शन और मैपिंग. तो ये सब मैपिंग अभी होने वाला है. From a state A to state B is a relation which associates for each element X in A. A में A के कोई भी element खाली नहीं होनी चाहिए, ठीक है. Element Y in B मतलब एक element होनी चाहिए, मतलब हर एक जो element है यहाँ A का, उसका जो relation है B के element से unique होनी चाहिए for every element, और सारा element engage होनी चाहिए. मतलब अगर एक ए है, तो अगर मैं समझाऊं कि ए के लिए मान लो ये 2 है, ठीक है, ए के लिए 2 है, करेक्ट. बी के लिए 4 है मान लिया, सी के लिए भी 2 हो सकता है, राइट. सी के लिए भी क्या होगा, 2 हो सकता है, करेक्ट ना. और डी को भी खाली नहीं छोड़ना है, आई मीन हर एक एलिमेंट ए का इंगेज होनी चाहिए, एक रिलेशन बननी चाहिए. तो डी को मान लीजिए मैं 3 से, हाँ इधर का एलिमेंट खाली हो सकता है, ठीक है. कंडीशन क्या है कि बी का एलिमेंट खाली हो पड़ सकता है. अब देखो यहाँ पे सबसे पहले बहुत बार एग्जाम में आपसे पूछा जाता है, ओके ट्राई टू फाइंड आउट whether the given mapping is a function or not, राइट. फंक्शन है या नहीं है, तो फंक्शन में पहली बार 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 मैं रिपीट कर रहा हूं कि फंक्शन में क्या होती है. यहाँ पे फंक्शन में होता क्या है कि स्टेट ए और स्टेट बी है, तो स्टेट ए के जो भी एलिमेंट है वो सारे रिलेटेड होनी चाहिए, उसका एक कोई एलिमेंट, कोई भी एलिमेंट खाली नहीं होना चाहिए. देखो विच एसोसिएट फॉर ईच एलिमेंट एक्स इन ए, और यूनिक एलिमेंट से बी के यूनिक, मतलब ए का दो एलिमेंट नहीं होनी चाहिए, समझ में आ रहा है ना. ए का 2 है तो ए के लिए तो 2 यूनिक है, भले ही सी का भी 2 है बट सी के लिए यूनिक है 2. ऐसा कभी भी नहीं हुआ है कि अच्छा ए का जो है 2 से भी हो जाएगा और 1 से भी हो जाएगा. So, एलिमेंट वाई बी मतलब क्या है, व्हाट आई वाज ट्राइंग टू से कि ए और बी है, ए में अगर ए बी सी डी एलिमेंट है, राइट, और सेट बी में, तो कहने का मतलब है कि ए के हर एक एलिमेंट के लिए यूनिक एलिमेंट होनी चाहिए बी का, ठीक है. तो ये फंक्शन का डेफिनेशन हो गया. एक रिलेशन इस तरीके से होनी चाहिए, ईच एलिमेंट ऑफ ए मस्ट बी एसोसिएटेड विद अ यूनिक एलिमेंट इन बी, सिंपल, राइट. कहने का मतलब क्या है कि
अगर मैं ले अगर समझने के तरीके से, अगर बिल्कुल आसान तरीके से बताओ, तो आप उसका वेन डायग्राम ड्रॉ कीजिए, ऐसे मैपिंग करो, जो डायग्राम जो कन्वर्ज कर रहा है ना, कन्वर्ज कर रहा है, आपको पता है ना कन्वर्जिंग ये हो गया इस तरीके से, इसको हम लोग कन्वर्जिंग बोलते हैं। डाइवर्जिंग किसको बोलते हैं? इस तरीके का ये डाइवर्जिंग हो गया, करेक्ट। तो जब कन्वर्जिंग जब होता है ना, तो फंक्शन होता है, और ध्यान में रहे कि सेट ए के हर एक एलिमेंट एसोसिएट होनी चाहिए, और जब डाइवर्जिंग होता है तो फंक्शन एग्जिस्ट नहीं करेगा, उसको हम फंक्शन नहीं बोलेंगे, सिंपल। तो आप एक समझने के लिए ऐसे बता ले, जब भी कन्वर्ज हो रहा है, कोई भी चीज कन्वर्ज हो रहा है, मतलब आप इस तरीके से समझे कि फॉर डिफरेंट वैल्यू ऑफ एक्स, राइट, फॉर डिफरेंट वैल्यू ऑफ एक्स वन कैन बी द सेम, राइट, बट फॉर अ सिंगल वैल्यू ऑफ एक्स देयर कैन नॉट बी टू वैल्यूज ऑफ वाई, करेक्ट। जैसे तो इसको कन्वर्ट, तो कन्वर्ट ये मतलब फंक्शन है। आई विल गिव यू मेनी एग्जांपल, ये फंक्शन है, और ये अगर डाइवर्ज कर रहा है इस तरीके से, सॉरी, अगर ये डाइवर्जन हो रहा है इस तरीके से हो रहा है, मतलब ये एक्स का डिफरेंट वैल्यू, उसके लिए आपको वाई तो अलग अलग मिल सकता है ना, लेकिन ये है एक एक्स के लिए डिफरेंट वाई थोड़ी मिलेगा, है कि नहीं। तो जैसे एक इक्वेशन अगर मैं बताता हूं, ठीक है, तो ये फंक्शन होगा, अगर कन्वर्जिंग अगर है तो फंक्शन होता है, अगर डाइवर्जिंग है तो फंक्शन नहीं होता है, ठीक है। पहले आप इसको लिख लें, फिर मैं आपको समझाता हूं, प्लीज नोट इट डाउन। नाउ सी हियर कि अब ये जो एग्जांपल हमने दिया है, ठीक है, ये फंक्शन है, राइट, ये फंक्शन है, क्योंकि कैसे फंक्शन है, सारे ए के एलिमेंट एक यूनिक एलिमेंट से मैच तो किया कराया गया है। तो आपको रिलेशन में भी बताया था कि ये जो सेट ए है ना, ए को हम लोग क्या बोलते हैं पता है, इसको डोमेन बोलते हैं, है ना, ए इज कॉल्ड, जो ए में जो भी एलिमेंट है उसको हम लोग डोमेन बोलते हैं, ए बी सी डी, ये डोमेन हो गया, करेक्ट। चलो ऐसे लिख देते हो, डोमेन, और जो सेट बी है उसको हम लोग क्या बोलते हैं, कोडोमेन बोलते हैं, बी सेट बी इज कॉल्ड कोडोमेन, सेट बी इज कॉल्ड कोडोमेन, ओके। और जो एलिमेंट जो मैच हो रहे हैं ना, जो जो एलिमेंट बी के इन्वॉल्व है उसको हम लोग रेंज बोलते हैं, ठीक है। अगर मैं रेंज के बारे में बात करूं, तो यहां पे रेंज क्या क्या होगा, 1 2 3, ठीक है। तो हमेशा याद रखें कि रेंज इज ऑलवेज अ सबसेट ऑफ कोडोमेन, ठीक है, रेंज इज ऑलवेज सबसेट ऑफ, क्योंकि जो भी रेंज होगा वो कोडोमेन का ही एक पार्ट होगा, है ना। तो रेंज इज ऑलवेज अ सबसेट ऑफ कोडोमेन, ठीक है, प्लीज नोट इट डाउन। कुछ भी यहां पे कंफ्यूजन है तो आप बिल्कुल पूछिए मेरे को। इसको इमेज बोलते हैं ना, जो वाई है वो एक्स का इमेज बोलते हैं, और इसको प्री इमेज बोलते हैं,
आप सबसे सिंपल फंक्शन का एग्जांपल है, आपने डू यू नो जो आटा चक्की जो होती है फ्लोर जिसे जहाँ पे स्वीट को मतलब यू नो गेहूं से आटा जहाँ पे बनाया जाता है पीस कर, तो जो गेहूं जो डाल रहे हो जो व्हीट जो आप डालते हो वो डोमेन हो गया, राइट? समझ में आ रहे हो? वो डोमेन हो गया और पूरी जो मशीन है वो इनपुट डाल रहे हो आउटपुट निकल रहा है। तो जो आप जो व्हीट जो डाल रहे हो दैट इज डोमेन, और जो आटा जो बनकर जो आ रहा है ना वो रेंज हो गया, और पूरी जो मशीन है वो फंक्शन हो गया, क्योंकि मशीन के अंदर आप इनपुट डाल रहे हो और कुछ रेंज निकल रहा है। तो दैट इज वन ऑफ द एग्जांपल ऑफ द फंक्शन। या आप बहुत सारा है, थ्रेशर मशीन होता है जो यू नो आई थिंक फ्लोर मिल जो आटा चक्की का जो हमने एग्जांपल दिया दैट इज द बेस्ट वे टू अंडरस्टैंड ऑफ फंक्शन। एनीवे वी आर गोइंग टू डिस्कस मेनी मोर एग्जांपल्स। ओके कैन वी गो अहेड? इज देयर एनी कंफ्यूजन अप टू हियर? No doubt. Okay, fine. अभी now all of you have to tell me कि ये function है या नहीं है, ठीक है? अगर नहीं है तो क्यों नहीं है, और है तो क्यों है, right? ये बता दो कि एक सेट A दे रखा है हमने, this is A, this is B, this is C, this is D, this is A, correct? और एक B है, इसके बीच मान लो रिलेशन R1 दे दिया, और यहाँ पे है 1 है, 2 है, 3 है, 4 है, 5 है, correct? Okay. So, this, right, this, and this. So just tell me, ये जो मैपिंग है ये फंक्शन है या नहीं है, whether this is a function or not. Just think over it. Yeah, very good, very good. बहुत ही बढ़िया। वेरी गुड, एक्सीलेंट एक्सीलेंट निखिल अक्षय, ऑल ऑफ यू आर ट्रू। आपने सभी ने आंसर सही दिया। या करेक्ट, सबसे सिंपल बातें देखो, यहाँ पे एक एक एलिमेंट तो है, सारे एलिमेंट एसोसिएट है बी से, लेकिन प्रॉब्लम क्या है कि ये डाइवर्जिंग हो रहा है ना। आप देख लो, सिंपल तरीका मैंने बता दिया, कोई कंफ्यूजन नहीं होगा। How you can identify whether the given मतलब जो मैपिंग है वो फंक्शन है कि नहीं है, तो आप उसका मैपिंग ड्रॉ कर लो। तो ये डाइवर्ज हो रहा है, ये तो ठीक है। एक डी के लिए ना दो एलिमेंट कैसे होंगे, है ना? करेक्ट। सो अब इसको समझने के लिए मैं ऐसे समझ सकता हूं कि आप व्हीट डाल रहे हो, जो आटे चक्की की जो मशीन होती है, आप व्हीट डालोगे तो ऐसा थोड़ी होगा, राइस थोड़ी निकलेगा वहां से, तो आटा ही निकलने वाला है, आई कि नहीं? तो हाँ, ये पॉसिबल हो सकता है कि कभी कभी यू नो अलग अलग डिफरेंट, बट हमेशा जब भी आप इनपुट डाल रहे हो, अगर गेहूं डालोगे तो आटा ही निकलेगा। अगर आप क्या बोलते हो उसको, ठीक है, तो ऐसा नहीं होगा कि आपने डाला कुछ और वहां से दो दो चीज निकल रहा है। या तो राइस थोड़ी निकलेगा, आप आटा ही वहां पे डाल रहे हो, मतलब गेहूं डाल रहे हो तो आटा निकलेगा। सिंपल एग्जांपल है समझने के लिए, ठीक है? तो ये फंक्शन तो है नहीं, तो दिस इज नॉट अ फंक्शन। ओके टेल मी, आई विल गिव यू अनदर एग्जांपल टू आइडेंटिफाई ये फंक्शन है या नहीं है। इसका रीजन क्या है, फंक्शन क्यों नहीं है, क्योंकि एक एलिमेंट के लिए ना दो आउटपुट आ गया, ठीक है, और ये डाइवर्जिंग हो रहा है, तो दिस इज नॉट अ फंक्शन। ओके फाइन, आई विल गिव यू वन मोर एग्जांपल टू अंडरस्टैंड। अगर ये एक है ए है, एक बी है, और एक रिलेशन आर टू दे दिया मान लो यहां से, और दिस इज ए,
दिस इज बी, दिस इज सी, दिस इज डी, राइट। ये वन है, टू है, थ्री है, फोर है, ओके बहुत ही बढ़िया यार, बहुत बढ़िया। फाइन, ये है, ये है, ये है, ठीक है। और फाइन, व्हाट आई कैन डू इज, चलो ओके, टेल मी दिस इज फंक्शन, ये जो मैपिंग है फंक्शन है या नहीं है? Yes, the given mapping is a function or not? नहीं, गलत हो गए ना आप लोग। मैंने ये भी बोला था कि ये फंक्शन नहीं है, ये एलिमेंट, सारे एलिमेंट एसोसिएट होने चाहिए ना, एसोसिएट होने चाहिए। ये एलिमेंट एसोसिएटेड है क्या इससे? नहीं है। हाँ, अगर ये एलिमेंट एसोसिएटेड होता देन वी कुड से कि ओके ये फंक्शन है, करेक्ट। दिस इज नॉट अ फंक्शन, राइट। कोई दिक्कत है यहाँ पे समझने में? ठीक है, कोई भी दिक्कत है तो पूछ लीजिए, अदरवाइज हम ये करेंगे यहाँ पे। If you have any doubt, please let me know. Yeah, every element of A must be related with the B, है ना? वो every element of A must be associated with the B. कोई एक भी element खाली नहीं होनी चाहिए. Okay, so this was all the you know basic definition of the function. We have to study a lot functions में, how to find out the domain and the range. And the types of the functions, है ना, ये सारी चीजें हम लोग पढ़ेंगे, ठीक है। फिलहाल यहाँ पे कोई दिक्कत है तो आप लोग बता सकते हैं। ओके, सो विल स्टॉप हियर।